हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है। जी हाँ, सीजीएल की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की आज बात करें तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है वो स्टार्ट हो रही है इस 22nd से, दैट इज़ 22nd ऑफ अक्टूबर 2019 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो कि एक महीने तक चलेंगी, दैट इज़ 22nd नवंबर 2019 तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा पोस्टपोन मत करिएगा। अगर आपको अपनी प्रेफरेंस की सिटी चाहिए जिसमें आपको पेपर देना है, तो आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए प्रेफरेंस का, तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लास्ट तक मत अटकाइएगा। और एसएससी की साइट जो है वो बहुत बार क्रैश हो जाती है, बहुत बार हम फॉर्म नहीं फिल कर पाते, एरर आ जाते हैं लास्ट के टाइम में क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो ट्राई करिएगा कि जल्दी से जल्दी आप इस रजिस्ट्रेशन को, अपनी रजिस्ट्रेशन को शुरू की डेट्स में ही पूरा कर दें। तो टायर वन के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो होगा 2 मार्च 2020 से 11 मार्च 2020 के बीच में। तो ये है हमारा टायर वन की एग्ज़ाम डेट। उसके बाद अगर टीयर टू की बात करेंगे तो 22 जून 2020 से लेकर 25 जून 2020 तक इसका सेकेंड स्टेज होने वाला है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इस बार एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि क्लियरली अभी एसएससी बहुत पोस्टपोन हो गया था। तो आपको पता है 2019 वाला जो एग्ज़ाम है वो 2020 में हो रहा है, तो जो पोस्ट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एसएससी के दूसरे एग्जाम्स की भी नोटिफिकेशन जो निकली है, सीपीओ का जो एग्ज़ाम है उसकी रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी थी और 16 अक्टूबर तक चलनी है। ये रजिस्ट्रेशन बस बंद होने वाली हैं, तो अगर आप सीपीओ के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो बस कुछ दिन बचे हुए हैं इसका फॉर्म फिल करने के लिए। 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक इसकी फर्स्ट स्टेज होनी है और 21 जून 2020 को इसका टायर टू का एग्ज़ाम है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एज लिमिट है ना सीपीओ की, वो 20 से 25 ईयर्स के बीच में है। तो एज लिमिट पे आप ध्यान दीजिएगा कि 20 से 25 है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये लास्ट चांस हो सकता है, तो एज लिमिट को ध्यान में रखिएगा। इसका 27-28 तक नहीं है, 20 से 25 है। उसके बाद करते हैं एसएससी सीएचएसएल की बात, जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है ना। तो इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 3 दिसंबर से स्टार्ट होकर 10 दिसंबर तक चलेगी। जो उसका टायर वन का एग्ज़ाम है ना वो 16 मार्च 2020 से 27 मार्च 2020 तक होगा। अब देखो, सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से 11 मार्च है और जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से 27 मार्च तक है। और जो इसका टीयर टू का एग्ज़ाम है वो 28 जून 2020 को होने वाला है, ठीक है। तो हम आपके लिए क्या लाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं एसएससी सीजीएल प्रीमियम 2019 को। अगर आपको एसएससी क्लियर करना है तो उसके लिए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाए हैं जो कि बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की जाएगी। 400+ टोटल टेस्ट, एसएससी में 1 घंटा मिलेगा, मतलब आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है क्योंकि आपको पता है लाखों बच्चों ने ये पेपर देना है। तो प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है ना इस पेपर के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होते हैं, सेक्शनल टाइमिंग में आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पता होता है कि आपको कैसे मैनेज करना अपना टाइम है ना। पर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एक ही सेक्शन में इतना टाइम दे देते हैं कि इजी सेक्शंस छूट जाते हैं। तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है एसएससी सीजीएल में क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए। तो इसके लिए टेस्ट अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं ताकि आप आराम से टेस्ट में अपीयर कर अपना धीरे धीरे चेक कर सकें कि आप कैसे कैसे इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर वन 2019 के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ नंबर ऑफ जो मॉक्स मिलेंगे वो हैं 10, ठीक है। इसमें इन मॉक्स के साथ आपको क्या मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसके बाद एसएससी सीजीएल टायर वन के जो टोटल मॉक्स अवेलेबल हैं वो हैं 50, ठीक है। फिर उसके बाद मिलेंगे एसएससी सीजीएल टायर वन के 2017 के सारे शिफ्ट्स के जो
पेपर्स थे, वो 43 नंबर ऑफ पेपर्स हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2016 के सारे शिफ्ट्स के जो पेपर है, 35 पेपर्स इन टोटल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ आपको मिलती है एक चैलेंजर टेस्ट सीरीज, आपको अपने आप को चैलेंज देना है यहाँ पे, इसमें किसी और से नहीं लड़ना, अपने आप से लड़ना है, रोज एक नया टारगेट सेट करके आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। तो एक चैलेंजर टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिलेंगे 25 मॉक्स, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 के लिए अगर हम बात करें तो मैथ्स के आपको 20 मॉक्स मिल रहे हैं, क्योंकि टीयर 2 में क्या आता है, मैथ्स और इंग्लिश, तो दोनों सेक्शंस पे आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग फोकस करने की भी ज़रूरत है कि बिल्कुल पक्का करना है, क्योंकि पहले तो आपका जो हमारा जनरल साइंस भी आ जाता है, इंग्लिश भी आ जाता है, सॉरी रीजनिंग भी आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन टीयर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश है तो बहुत फोकस करना है, तो इनका अलग अलग तैयारी के लिए 20-20 मार्क्स दोनों आपको मिल रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश के। उसके बाद एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि 2011 से 2018 के हैं, 15 ऐसे मॉक्स आपको मिलेंगे, और ऐसे ही एसएससी सीजीएल टीयर 2 के इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं 2011 से 2018 के बीच के 14 पेपर्स हैं। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज सेट मिल रहे हैं आपको जिसमें 200 प्लस हैं, तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको पता है कि सबसे वास्ट टॉपिक है, आप मतलब कहाँ से शुरू करो कहाँ पे ख़त्म करो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसका आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे जो कि 200 प्लस होंगे। तो बेसिकली इसमें हम आपका सब कुछ कवर कर रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए एसएससी के एग्ज़ाम को छोटा मत मानना, इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इस बार तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन बच्चे जो अप्लाई करेंगे वो और भी ज़्यादा होंगे, लेवल जो होगा वो और भी अच्छा होगा, तो अपनी तैयारी अभी से, एसएससी के एग्ज़ाम में ना आप ये नहीं कर सकते हो कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ूंगा, बाकी एग्ज़ाम्स में आप तब भी मेहनत कर लो तो निकल जाता है, लेकिन आपको ये पता है ना कि एसएससी के लिए बच्चे 2-2, 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आज से अभी से शुरू करनी है हमें प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद इसके साथ और जो फीचर्स छोटे छोटे इस टेस्ट सीरीज के आपको मिलने वाले हैं, पहला तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ आपको बाय मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी हैं जैसे कि आपको पता है, तो आपको मंथली जो करंट अफेयर्स मिलने हैं जनवरी से दिसंबर तक सारे के सारे प्रोवाइड करे जाएंगे। ये जो आपका सीरीज है ना, ये अड्डा 247 स्टोर और अड्डा 247 मोबाइल ऐप दोनों पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको लैपटॉप या पीसी पे बैठना है, आप अपने मोबाइल पे कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। सॉल्यूशंस हैं डिटेल्ड मिलेंगे, क्या होता है यूजुअली हर जगह आप देखते हो सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर सी था या इसका आंसर डी था, लेकिन उसका तो फ़ायदा नहीं है ना, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आपको तो सीखना है उसको करा कैसे है, तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ मॉक्स ऐसे भी हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द अटेम्प्टेड टेस्ट्स इन डिटेल, जितने भी अटेम्प्टेड टेस्ट हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक था, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग था, कौन से सेक्शन पे वर्क करना है, परसेंटेज आपकी कौन से सेक्शन में कितनी बनी है, तो बेसिकली आपको सारा एनालिसिस मिला जाएगा। एक और चीज़, ऑल इंडिया रैंक जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया रैंक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जितने भी ये लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अपनी पोजीशन से क्या होता है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अगर आप नीचे हो तो मेहनत भी बढ़ती है, तो इसलिए आपको ऑल इंडियन रैंक और कंपैरिजन विद टॉपर्स भी प्रोवाइड करा जाएगा उस एनालिसिस में। अभी क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, जैसे कि आपको पता है अक्टूबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो अभी आप कोड लगा सकते हो फेस्ट 40 का और आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे बाय करें, हाउ टू बाय, अब ये बात आती है, तो आप हमारे स्टोर पे जा सकते हो, स्टोर हमारा है store.adda247.com, आप इस पे जाकर इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, और सर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड नहीं, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें मेल कर सकते हो blogger@adda247.com। कोई भी आपको दिमाग में डाउट है ना, तो वेट मत करो, आप हमसे पूछो, हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी से रिलेटेड आपको कोई एडवाइस चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें मेल कर सकते हो blogger@adda247.com पर। अपनी तैयारी को आज से शुरू करिए और अच्छी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।